फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार आप सबको फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग पर। आज हम आप लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, कितना वक्त लगा, कितना खर्च हुआ, उनकी विशेषता क्या है, हम लोग को अगर घूमने के अधिकार है तो कहाँ से मिला है, खाने का अधिकार है, घूमने, पढ़ने, सोने, जितना भी तरह का है अधिकार, वो कहाँ से आया है, कौन देता है, इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बेल बटन को दबा दीजिए। तो चलिए अब संविधान के बारे में चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं फिर एक बार। देखिए संविधान जो है, हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान जो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस पर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा है और 75% 1935 के शासन पर पड़ा है और 25% जो है विदेशी स्रोत से लिया गया है। तो चलिए उसके बारे में अगला दिन करूंगा, लेकिन आज जो बताने जा रहा हूं उसके बारे में समझिए। तो हमारा जो संविधान है, संविधान तो एक आपका एक ऐसे तो बना नहीं होगा, उसके बनने की प्रक्रिया होगा, कितना समय लगा होगा तो उसके बारे में बता दें। तो संविधान बनने में, हाँ, संविधान बनने में कुल टोटल जो है दो वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना वर्ष? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। खर्च की बात करें तो लगभग आपको देखा जाए तो 64 लाख रुपया लगभग लगा, ऐसे दूसरे देता है 63 लाख 96 हजार या कुछ ऐसे देता है। तो हम लगभग ले लिए हैं कि लगभग 64 लाख रुपया संविधान के बनने में क्या हुआ, खर्च हुआ। और देखिए विशेषता के बारे में बात करते हैं, तो विशेषता में मैंने कहा है कि हमारे पास संविधान में तीन चीज मुख्य रूप से है। कितना चीज है? तीन चीज है। कौन कौन? अनुच्छेद, अनुसूची, भाग। क्या क्या है? अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। और जब संविधान बना था तो उस समय अनुच्छेद कुछ और था, अभी कुछ और है। जब संविधान बना था तो भाग कुछ और था, अभी कुछ है। अनुसूची कुछ और था, अभी कुछ और है। तो वो सब बदल गया है संविधान संशोधन के कारण, तो उसके बारे में अलग बताएंगे। लेकिन अभी चल रहे हैं कि वर्तमान में हमारे पास अनुच्छेद जो है, पूछा गया कई बार एग्जाम में कि वर्तमान में अनुच्छेद कितना है, तो 450+ अनुच्छेद अभी वर्तमान में है। कितना है? 450+ वर्तमान में। और जब मूल रूप से कहेगा कि संविधान में मूल रूप से कितना अनुच्छेद है तो वह 395। कितना? 395 अनुच्छेद मूल रूप से है। बहुत बार एग्जाम में आ गया है कि वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितना है, तो 450+ देता है। अब मूल रूप से पूछ देगा यानी कि जब संविधान बना था तब कितना था, तो 395 था। और अनुसूची की बात करें तो वर्तमान समय में आपका 12 गो है। वर्तमान समय में कितना है? 12 गो है। लेकिन जब संविधान बना था तब कितना था? 8 गो था। कितना था? 8 गो था। तो थोड़ा सा इसमें इधर कर लीजिए ताकि समझने में दिक्कत ना होगा। देखिए वर्तमान समय में 12 गो और जब बना था तब कितना था? 8 गो। इस प्रकार यहाँ देखे थे 450 वर्तमान में है, उसी प्रकार आगे लिख दिए समझने के लिए, थोड़ा समझने में दिक्कत ना होगा। उसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको भी 25 कर देते हैं ई पार्टी या 22 कर देते हैं ई पार्टी, ताकि दिक्कत ना हो। मूल इधर लिखा गया जब संविधान बना था तब, मूल इधर लिखा गया और वर्तमान आगे लिखा गया इस चलते लिख दिए। तो देखिए अनुसूची की बात करेगा वर्तमान समय में तब 12 गो अनुसूची है वर्तमान में, और जब संविधान बना था तब कितना था? 8 गो था। भाग की बात करें तो भाग जो है वर्तमान समय में 25 गो है। वर्तमान समय में 25 गो है। एग्जामिनर इसका 25 मारा है। एक बार एनटीपीसी में ही क्या हुआ है कि जब पूछ लिया कि हमारे संविधान में वर्तमान समय में भाग कितना है, तो वहां पर ऑप्शन 22 भी था 25 भी था, तो ढेर लेकर कंफ्यूज हो गए कि 22 मारे कि 25 मारे। तो अभी वर्तमान समय में कितना है? 25 है।
और मूल रूप से गया था कितना है 22 गो, मूल रूप से कितना है 22 गो। तो चलिए आप लोग समझ रहे होंगे कि अनुच्छेद अनुसूची भाग कितना कितना है। चलिए देख लिए इतना चीज, अनुच्छेद अनुसूची और भाग तो देख लिए कि कितना कितना है। अब आज चर्चा करते हैं इंपोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में, इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला जो अनुच्छेद है इंपोर्टेंट आर्टिकल देखिए यहाँ पर लिखा गया है, बकवास आर्टिकल नहीं करेंगे, इंपोर्टेंट जो आर्टिकल रहेगा उसी के बारे में करेंगे। और इसका पार्ट वन वीडियो आज आर्टिकल का, पार्ट टू अगला दिन आएगा। तो पार्ट वन में कुछ ही अनुच्छेद को सिलेक्ट किया हूं, अगला पार्ट में पूरा अनुच्छेद को सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए अनुच्छेद जो पहला है, अनुच्छेद पहला में अनुच्छेद वन में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, क्योंकि भारत जो है किससे मिलकर बना है? राज्य से मिलकर बना है, ठीक ना। तो एक एग्जाम में पूछता है कि अनुच्छेद वन में भारत को क्या कहा गया, ऑप्शन दे देगा संघ राज, राज्यों का संघ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, संघ राज नहीं मानना बल्कि राज्यों का संघ मानना है। तो अनुच्छेद वन में क्या है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्य कितना है वर्तमान में? तो 28 और केंद्र शासित कितना है? 28 और केंद्र शासित कितना है? 8 है, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद दो में, चलते हैं अनुच्छेद दो में जो कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश, क्या कहा गया नए राज्यों का प्रवेश, यहां ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो क्वेश्चन है लेकिन गलत आता है, नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का निर्माण। तो नए राज्यों का जब प्रवेश कहेगा मतलब कि वैसा राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन उसको भारत में मिला दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल हम लिख ले तो सिक्किम जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था, उसको भारत में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया गया है। तो वह कौन सा अनुच्छेद जब कह देगा नए राज्यों का प्रवेश यानी नए राज्यों का निर्माण जो भारत का हिस्सा नहीं था, तब हो जाएगा अनुच्छेद कितना दो हो जाएगा, अनुच्छेद दो। नए राज्यों का प्रवेश कहेगा तो कितना अनुच्छेद दो, और नए राज्यों का निर्माण कहेगा तो अनुच्छेद तीन, कितना अनुच्छेद तीन। कभी कभी घुमा के पूछ देता है कि नए राज्यों का निर्माण जो भारत का हिस्सा नहीं था वो कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है, तो यहाँ पर निर्माण देखिए तीन न मारिएगा बल्कि दो मारिएगा। आया जो तीन है यह है जो भारत में ही कोई राज्य है उसको डिवाइड करके दो राज्य बना दिया गया है, जैसे वर्तमान में तेलंगाना को देख लीजिए तो आंध्र प्रदेश से डिवाइड करके क्या कर दिया गया तेलंगाना बनाया गया। तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा नए राज्यों का निर्माण में तेलंगाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। और अनुच्छेद दो का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम, क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिक्किम। तो नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद दो के तहत कहेगा कौन राज्य का निर्माण हुआ था सिक्किम, अनुच्छेद तीन के तहत कौन सा राज्य का निर्माण हुआ था कहा जाएगा तेलंगाना। तो एक खाली फंसा या फिर दिमाग लगाने वाला है कि नए राज्यों का प्रवेश कहेगा तो अनुच्छेद दो, नए राज्यों का निर्माण कहेगा तो अनुच्छेद तीन। अब चलते हैं अगला अनुच्छेद पांच से ग्यारह, अनुच्छेद जो पांच से ग्यारह है उसमें नागरिकता के बारे में कहा गया है कि भारत में कौन कौन व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए अगला चलते हैं अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 जो है मुख्य रूप से संविधान में एक तरह से देखा जाए तो इसको भारत संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि जितना भी आदमी का जो अधिकार है बोलने पढ़ने लिखने सुनने सब जितना अधिकार है वो मौलिक अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक में ही दिया गया है। तो 12 से 35 तक में क्या किया गया है मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, कहे तो कि क्या है विधि के समक्ष समानता, तो यह है कि अगर कानूनी रूप से अगर कोई भी व्यक्ति हो अगर वह गिरफ्तार कोई भी गलत काम किया हो चाहे वह प्रधानमंत्री हो चाहे कोई एक आम व्यक्ति हो तो उसकी जो सजा होगा समान रूप से होगा, मतलब सबको समानता का अधिकार दिया गया। पहले क्या था कि जो राजा कपड़ा पहनता था राजतंत्र में वो प्रजा नहीं पहनता था, लेकिन आज अगर इसके पास पैसा है तो
तो अगर हेलीकॉप्टर पर प्रधानमंत्री चल सकते हैं तो हेलीकॉप्टर पर आम आदमी भी चल सकता है अगर उसके पास पैसा है तो। इसी के बारे में कहा गया समानता का अधिकार कहा गया। विधि के समझ मतलब कानून के समझ, सबको कानून की कैटेगरी में ला सकते हैं मतलब समान रूप से, ठीक है। तो विधि के समझ जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत कहा गया। अब देखिए अनुच्छेद 15 कहा गया। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म जाति लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया। पहले क्या था कि आज भी है कुछ कुछ गांव में चाहे कुछ कुछ शहरों में भी कि लोग छुआछूत मानते हैं कि कोई भी अगर नीच जाति से है तो उसको छुआने से थोड़ा सा अथी होते हैं, मतलब कि समझ रहे होंगे आप लोग। तो उसके बारे में संविधान में क्या कहा गया है कि अब ये छुआछूत नहीं रहेगा, इसको अंत कर दिया गया है, ठीक है। अगर अगर कोई डोम के साथ है चाहे कोई और भी जाति है अगर उसके साथ खाना खाने से अगर कोई हिचक रहा है तो यह क्या कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा हूँ। अब आप लोग देख भी रहे होंगे चुनाव में लोग नीच नीच जाति से जाके घरे घरे खाना खा रहे हैं नेता लोग, तो ये सब दिखा रहे हैं कि देखो हम संविधान का पालन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जीत जाएंगे उसके बाद फिर तो अपन अपन फाइव स्टार होटल खड़े करेंगे। तो देखिए यहाँ पर धर्म जाति लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव से मतलब भेदभाव नहीं रखना है संविधान में कहा गया। कौन सा आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म से नहीं भेदभाव करेंगे, कोई भी धर्म जाति से नहीं भेदभाव करेंगे, नहीं लिंग से करेंगे कि स्त्री पुरुष है, जैसे हमारे वैदिक सरकार एक सप्ताह में कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, उसको पढ़ने नहीं देता था रामायण महाभारत स्त्री और वैश्य को, लेकिन अब क्या है सब कोई पढ़ रहा है तो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। कितना कितना अनुच्छेद 15 के तहत। अब चलते हैं अगला अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में जो लोक नियोजन में अवसर की समता, मतलब कहा जाए कि कोई भी अगर वैकेंसी निकलता है उसमें सभी को समान रूप से क्या किया गया है, अवसर दिया गया। क्या दिया गया, सभी को समान रूप से कोई भी वैकेंसी भर सका या रह सका तो सभी को क्या किया गया, समान रूप से अवसर की समता दिया गया, मतलब सबको अवसर का समान रूप दिया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का है तो छुआछूत, छुआछूत क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत, मतलब कहा जाता था पहले कि हम शेर खान की उपाधि धारण कर ले हैं चाहे बंगाल का शेर, सब उपाधि जो पहले होता था उस समय जो है अभी वर्तमान समय में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। वर्तमान समय में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उपाधि कौन रहेगा, सिर्फ सेना का रहेगा और राष्ट्रपति जो इसको मतलब उपाधि देंगे जो पुरस्कार में सम्मान करेगा वही पुरस्कार रहेगा, बाकी सब उपाधि हटा दिया गया। तो देखिए उपाधियों का जो अंत है अनुच्छेद 18 में कहा गया जो मतलब अब अंत हो गया, अपने आप को राजा मतलब कि अपने आप को कोई ऐसा नहीं नाम रख सकते, उपाधि नहीं रख सकते हैं कि जैसे कह देगा हम बिहार का शेर हैं तो ये सब उपाधि नहीं, ठीक ना। तो वो सब क्या कर देगा, हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में चर्चा करें तो 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार है आम आदमी को। अब देखिए अनुच्छेद 19 का जो क है वो बोलने की स्वतंत्रता देता है। क्या देता है, बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। कोई भी कह दे कि अनुच्छेद कितना में कहा गया प्रेस की स्वतंत्रता, या फिर कितना में कहा गया वाक की स्वतंत्रता, या फिर कितना में कहा गया बोलने की स्वतंत्रता, सभी का आंसर क्या होगा, अनुच्छेद कितना 19 के क। अगर ये नहीं रहता तो आज जितना मीडिया देख रहे हैं नहीं रहता, क्योंकि मीडिया का बोलने का पावर नहीं रहता। तो जब संविधान में नहीं लिखा रहता आर्टिकल में तो क्या होता, मीडिया बंद भी नहीं करता क्योंकि बोलने का उसका अधिकार नहीं रहता, तो क्या होता नहीं रहता मीडिया। अब देखिए अनुच्छेद 20 के बात करें तो अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के साथ दोष सिद्धि की चर्चा किया गया। क्या किया गया, अपराधों के साथ दोष सिद्धि। जल्दी से करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी बन रहा, ठीक है। तो 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के साथ दोष सिद्धि। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। क्या किया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कहा गया प्राण का सबका अधिकार है, मतलब अपने प्राण पर सबका अधिकार है। अनुच्छेद जो 21 को है यह कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चा है उसको क्या दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद,
21 का क। तो आज इतना ही रहेगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला पार्ट पार्ट वन इसका है, पार्ट टू अगले दिन चलाएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से रोजीना कंटेंट, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट आप लोग को देंगे। तो थैंक यू, विस यू, इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।